राइट, लुक हूज हियर। हेलो, आपका नाम? महकदीप सिंह। बहुत ही कम लोग आते हैं रोडीज के ऑडिशन में पूरा मतलब कुर्ता पजामा पहनकर, शॉल ओढ़कर, और आपने तो मोजरी भी पहन रखी है। सो नाइस। ऐसा कोई मतलब स्ट्रेटजी है इस लुक के पीछे या फिर आप ऐसे ही ड्रेस अप करते हैं? रोडीज के लिए स्पेशली करके आया हूँ, सो हो सकता है ये भी मुझे बेनिफिट करे आगे सेलेक्ट होने में। औखा कम ना कोई जहान उत्ते हुंदा करना सदा आरंभ औखा, हौसले नाल ता बंदा पहाड़ चुक ले, बिना हौसले चुकना खंभ औखा। सत श्री अकाल जजेस। ओके, आई नो हिम, ये अभी मेरे साथ मिस्टर पंजाब में था। आई होप मैं अब तुम्हें जज नहीं करूंगा, बाकी ये सब करेंगे। एक जो इसने लिखा है, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर ऑफ द ऑपोजिट जेंडर फॉर अ डे, इसमें इन्होंने लिखा है गो टू अ पब बिकॉज द एंट्री ऑफ फीमेल इज फ्री। ये सही था। वेल गुड, हाई फाइव। गो टू पब बिकॉज द एंट्री इज फ्री। फेवरेट डिशेस कौन से आपके? सर चिकन पसंद है, पनीर भी पसंद है। मटन? मटन सर कभी कभी, ब्याह शादियों पे वैसे कम खाता हूँ। ओह यार। तीन चीज जो आप कभी नहीं करोगे अपनी जिंदगी में। सबसे पहले आपने लिखा है डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा अपने पेरेंट्स को। डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे। और दूसरा पॉइंट लिखा है मतलब एनिमल्स को हर्ट नहीं करता मैं कभी भी। एनिमल्स को आप हर्ट नहीं करते? नहीं मतलब, अच्छा चिकन वाली बात गया। नहीं मतलब वैसे मारने मुरने वाला वो तो चलो एक बार में गया, फिर तो गया बेचारा। नो, मैं हर्ट नहीं करूंगा, सिर्फ एक बार करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। मेंटालिटी फिट नहीं होती। जो खाने वाले हैं उनको एक्सक्लूड करके। वो जानवर नहीं। प्यार करने वाले जानवर अलग है और खाने वाले जानवर अलग है। आप अभी करना क्या चाहते हो लाइफ में? मैं एक एक्टिंग और मॉडलिंग लाइन में आना चाहता हूँ। मॉडलिंग करने के लिए आपका क्या प्लान है? अभी मैं मिस्टर पंजाब के सीजन में क्या था, मैं फिनाले में था उसके। वाओ, एक्चुअली जो पैजेंट्स होते हैं उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं और एक होता है जीके राउंड। लेट्स डू अ जीके राउंड विद हिम। श्योर सर। कोई सवाल? निखिल, मैं पूछना चाहूंगा कि अफ्रीका के 10 कंट्रीज को नेम कीजिए। जमैका। जमैका? हाँ। नहीं नहीं, सूडान, कीनिया, साउथ अफ्रीका, उसके बाद में एक यू जे एन करके है, क्या UJAN? उज्जैन अफ्रीका में है। यस मैम। ओके ओके, ये इस फोन में गूगल है। एक बार आप उज्जैन देखना चाहते हैं कि अफ्रीका में कहाँ पे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, थोड़ी टिपिकल जीके होगी सर। सब समय पता हो क्या रहा है, मतलब कुछ चीज पता होती ना आउट ऑफ सिलेबस सारा पेपर। तूने रोडीज देख देख कर ह्यूमन फ्लैग के बारे में पता लगा कि कर लेता है? कर भी लेता हूँ सर, पता भी यहीं से लगा था मैंने, मतलब गुरमीत को पहली बार करते हुए देखा था, तो मैंने देख देख के सीखा यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख के। स्ट्रॉन्ग। टेल अस योर डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट। एक ही लिखी है। बोलो ना, पढ़ो यहाँ से। बोलो। सर्जरी ऑफ माय। सो बेसिकली क्या था, जब कॉलेज में नया नया आया था बीटेक करने के लिए, तो नया नया नाम सुना था लाइक व्हाट इज। व्हाट इज, सो दोस्तों से सुना, ट्राई करा, पता चला भी थोड़ी गड़बड़ है। डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा कि सर एक ना फ्रेनेलम पार्ट होता है। सो यू हैड अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम? नो नो, बाद में स्टडी करी ना, अब यहाँ पे बताने के लिए वैसे थोड़ी बताऊंगा। तो उसका फ्रेनेलम पार्ट होता है वो थोड़ा ना आगे जुड़ा हुआ था, बस वो थोड़ा सा मांस एक तरह से कह सकते बड़ा हुआ था, वो काटना था। अब ठीक है। तो महकदीप, आपके फ्रेंड ने आपको
क्या कहा जब आपने कहा कि फ्रेंड से पता लगा सर कि मतलब कैसे क्या साहब किताब तो समझ लो कि मैं आप हूँ मतलब उसने बताया था कि लाइक यू जैसे कि मेरे को बताओ ना कि क्या कहा उसने तो बहुत देसी लैंग्वेज में बताया था मतलब जो वाला पार्ट है वो पीछे जाना चाहिए पूरा हाँ जो मेरा नहीं जाता था सो वी कंसल्टेड अ डॉक्टर रोडी रोडी पे सिलेक्ट होकर आपको क्या मिलेगा सर बेसिकली मैं एक यूथ आइकन बनना चाहता हूँ हमने ना एक कॉलेज में दोस्तों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है हम क्या करते हैं कि जो यूज्ड कपड़े हैं बच्चों के वो इकट्ठे करते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गरीबों में लाइक अगर मैं बनता हूँ यूथ आइकन बनता हूँ कल को तो लोग मुझे फॉलो करेंगे तो मेरी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं भी लोगों के सामने और भी अच्छे तरीके से आ सकते हैं और उसे प्रमोट किया जा सकता है ये पूरा सच है जी सर दिस इज द ओनली रीजन यू वांट टू बी ऑन रोडीज ओनली नहीं सर मैं फेमस होना चाहता हूँ क्यों महकदीप सिंह जी मतलब जो भी है आप हो बहुत भले इंसान योर क्लीन हार्ट ना इट शोज थैंक यू महकदीप ये रोडीज ना आपकी भाषा में मेरे हिसाब से आपके लिए थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है नो मैम बिल्कुल नहीं ओके गुड चलो मान लेते आपको रोडीज पे आने के लिए 3 बत्तियों की जरूरत है और प्रिंस कर नहीं सकते कि वो आपके दोस्त हैं आपको जानते हैं पहले से रोडीज का एक्सट्रीम जो है वो आपके लिए यहीं से शुरू हो गया सो बेस्ट ऑफ लक ब्रदर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 आप बहुत ही भोले हो दैट पर्सनालिटी इज समथिंग दैट वुड बी ग्रेट टू हैव ऑन द जर्नी ऐसे वेट करते रहेगा कि दूसरे लोग तेरी यहाँ पे जंग लड़े नहीं मैम बिल्कुल अगर मैं शो में आता हूँ तो मैं बाकियों का भी मन लगा के रखूंगा और एंटरटेन करता रहूंगा आपको भी और बाकी कंटेस्टेंट्स को भी मैं बजाऊंगी 3 बत्तियां जो ये मेरे को प्रॉमिस कर मेरे गैंग में नहीं आएगा मैम आपको बड़ा नुकसान होगा लेकिन इस चीज रोडीज एक्सट्रीम की चाबी योर वन स्टेप क्लोजर थैंक यू सो मच आई विल सी यू इन द कलिंग राउंड थैंक यू